बिलासपुर जिला प्रशासन ने जिला को 16 सेक्टरों में बांट दिया है। जिला में होने वाले शादी समारोह पर अब जिला प्रशासन पूरी नज़र रखने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है और जिला के 16 सेक्टरों में ऑफिसर सहित ASI स्तर का पुलिस अधिकारी तक की नियुक्ति भी कर दी है। अगर किसी भी शादी समारोह में 50 से अधिक लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिलासपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उपायुक्त रोहित जम्बाल ने बताया कि ब्लॉकों में SDM, DSP, तहसीलदार और SHO को SOP की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए कार्यरत हैं और उनकी भी प्रशासन को समय-समय पर रिपोर्टिंग मिल रही है। उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों कोविड समीक्षा मीटिंग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की ओर से व्यवस्थाओं में सुधार व बेड क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोविड केयर सेंटर में 275 बेड की अतिरिक्त कैपेसिटी बढ़ाई है। पहले 275 बेड क्षमता उपलब्ध है, लिहाजा अब कुल मिलाकर जिला में बेड कैपेसिटी 550 हो चुकी है। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन ने कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। इन SOPs की अनुपालना कराने के लिए हमने पूरे बिलासपुर जिले को 16 सेक्टर्स में बांटा हुआ है और इसमें 16 सेक्टर ऑफिसर लगाए गए हैं जिनके पास गाड़ी जो है अटैच्ड गाड़ी है और इन सभी सेक्टर ऑफिसर्स के साथ जो है एक एक ASI या SI स्तर का पुलिस का अधिकारी भी दिया गया है ताकि ये SOPs की अनुपालना कराने के लिए जहां भी जाएं इनको ऑफिसर्स को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अभी जो है सिर्फ 2 प्रकार के प्रयोजनों के लिए अनुमति जो है दी जा रही है, विवाह समारोह और जो फ्यूनरल सेरेमनी है इनके लिए, और उसमें भी 50 मैक्सिमम लोगों की ही संख्या जो है निर्धारित करी गई है, 50 से अधिक इसमें नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि शादियों में DJ या फोटोग्राफर इससे संबंधित, तो इसमें DJ की भी हम जो हैं SDM साहिबान जो हैं हमारे अनुमति तो दे रहे हैं पर उसमें कंडीशनल अनुमति है कि उसका प्रयोग सिर्फ जो है म्यूजिक के तौर पे ही किया जाएगा, उसमें कोई भी डांस इत्यादि या डांस फ्लोर वो जो है इस DJ के माध्यम से जो है नहीं हो पाएगा इस दौरान जो है। वहीं उपायुक्त ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि शादी समारोह में DJ बजा जरूर सकेंगे लेकिन डांस इत्यादि नहीं कर पाएंगे, सिर्फ DJ पर ही संगीत का लुप्त उठा जा सकता है, वह भी SOP में सुनिश्चित की गई टाइमिंग के तहत की जाएगा। जहां नियमों की उल्लंघना पाई जाएगी वहां पर चालान भी किया जाएंगे। ETV भारत के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट।